सीएम योगी आज से दो दिन तक गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे लोकसभा चुनाव के बाद गोरखपुर की जनता का धन्यवाद करेंगे। सूत्रों की माने तो सीएम योगी महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। साथ ही सीएम योगी शाम को विश्राम के बाद गोरखनाथ चिकित्सालय को दी गई एम्बुलेंस का लोकार्पण भी करेंगे। दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर भी सीएम योगी आज जाएंगे। और तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी आज दो दिवसीय गोरखपुर दौरे के लिए भी निकलेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम योगी का, उसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए दुर्गेश, आपको बताता सीएम योगी लगभग 5:30 बजे जो है वो गोरखनाथ मंदिर आएंगे और यहाँ पर 1.5 घंटे तक मंदिर में रहेंगे। उसके बाद 7 बजे वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित है, जहां वो जीत का जश्न मनाएंगे। लगभग 10,000 बीजेपी के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे और उनके साथ जो है वो जीत का जश्न मनाएंगे, क्योंकि जो गोरखपुर में जीत मिली है वो योगी आदित्यनाथ के लिए खुद नाथ की सीट बनी हुई थी और गोरखपुर में 3 लाख से अधिक वोटों से जो रवि किशन जीते हैं, तो इस बात से योगी काफी खुश हैं। और जो 5 विधानसभाएं गोरखपुर के अंदर आती हैं उनमें से 5 बूथों के ऐसे जो बूथ कार्यकर्ता होंगे उनको जो है 25 जो बूथ कार्यकर्ता होंगे जहां सबसे अधिक वोट पड़े होंगे भाजपा को, उनको अपने हाथों से वो सम्मानित भी करेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर की देश में तो जीत मिली ही है, साथ ही गोरखपुर में जो ऐतिहासिक जीत मिली है योगी आदित्यनाथ के पास से अधिक मत पाकर जो है वो लगभग 5 लाख वोट जो है वो आदित्यनाथ 5.5 लाख वोट पाते थे, लेकिन आपकी पास रवि किशन जो है इस बार 7 लाख से अधिक वोट पाए, तो उससे भी जो है योगी आदित्यनाथ काफी गदगद दिख रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा है, उसके तहत प्रशासन की ओर से? देखिए दुर्गेश, आपको बता दें कि प्रशासन के साथ ही जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी है। 2 दिन से बैठक लगातार की जा रही थी, सबको जिम्मेदारियां दी जा रही थी कि वाहन पार्किंग की व्यवस्था कहाँ की जाएगी, क्योंकि 10,000 से अधिक कार्यकर्ता जो है वह महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में जुटेंगे, तो पार्किंग की अगर हम बात करें तो कचहरी मैदान और दिग्विजय नाथ डिग्री कॉलेज यहाँ वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के 4 चौबंद इलाज किए हैं, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद है। तो कुल मिला के ये कहे कि जीत के बाद जो गोरखपुर में आज पहली बार योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, क्योंकि जो है इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिली है उससे जहां बीजेपी के शीर्ष नेता खुश हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ देवी ने भी कड़ी मेहनत की थी, तो इसको लेकर काफी उत्साह है कार्यकर्ताओं में। चलिए धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए पंकज। तो बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, जहां अमेठी की जनता का धन्यवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करेंगे। गोरखपुर लोकसभा सीट कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए साख का सवाल बनी हुई थी, लगातार जनसभाएं कर रहे थे सीएम योगी इस सीट के लिए, रवि किशन को जिताने के लिए, और जो विश्वास जनता ने जताया है उस विश्वास का आभार व्यक्त करने सीएम योगी गोरखपुर पहुँचेंगे।